25 जुलाई 2014 को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के नाम से एक पौधा लगाया गया था जो कि अब एक वट वृक्ष बनता जा रहा है। प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी जी नई वाइस चांसलर हैं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की। कई सारे काम जो है, कई सारे क्रियाकलाप अब किए जा रहे हैं और पहली मर्तबा 18 दिन में महज, अगर इस विश्वविद्यालय के इतिहास की बात करें तो 10 सालों में पहली मर्तबा महज 18 दिन में संभवतया प्रदेश का कोई विश्वविद्यालय इस कदर इतनी त्वरित गति से परीक्षा परिणाम जारी नहीं कर पाया था। मैम सबसे पहले आपको साधुवाद और इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम क्या कहेंगे, नए कोर्सेज की शुरुआत की बात कही गई है, तमाम वो नई चीज़ें अभी डिस्कस की थी, एक स्वर्ण जयंती महाविद्यालय जो है विश्वविद्यालय के भाग जो है एक वो शुरू किया जाएगा, किस तरह की स्ट्रेटजी है? आप सब जानते हैं कि हरियाणा में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नए कार्यक्रम शुरू करने थे और जैसे ही मैंने टेक ओवर किया मेरी पहली प्राथमिकता थी कि मैं रिजल्ट्स को स्टिमुलेट कर दूं, क्योंकि उससे मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जब मुझे उनकी पीड़ा नज़र आती है तो मेरा दिल बहुत दहलता है, इसलिए मुझे प्रायोरिटी पर मेरा रिज़ल्ट को स्टिमुलेट करना, उसको पेस को एक्सेलरेट करना, रिज़ल्ट डिक्लेरेशन को वो रहा। और मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी इस परिकल्पना को कि रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी निकले उसे साकार करने में मेरी मदद की। दूसरा प्रायोरिटी थी क्योंकि एडमिशन्स जो हैं वो जून में शुरू होने हैं, इसलिए नए कार्यक्रम बनाए जाएं और ऐसे कार्यक्रम हों जो पूरे राष्ट्र में जिनकी कोई अहमियत हो, जो बच्चों को रोज़गार दे सकें या बच्चों को रोज़गार स्थापित, स्वरोजगार स्थापित करने में सक्षम कर सके। तो ऐसे ही 8 पाठ्यक्रम हमने बनाए हैं जिसमें से बहुत ही एम्बिशियस कार्यक्रमों में एक तो BCA कंप्यूटर साइंस चल रहा है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस चल रहा है जो 4-ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। और एक बात बच्चों के लिए और सूचना देना चाहूँगी कि जो बच्चे इस NAP कोर्स में आते हैं 4 साल के कोर्स में, जिसमें पहले साल उनको सफल होने पर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स का डिग्री मिलती है, दूसरी उनको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है 2nd ईयर के बाद, और 3rd ईयर के बाद उनको ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है, और अगर वो 4th साल लगाते हैं तो वो वहाँ पर ऑनर्स और रिसर्च की डिग्री प्राप्त करते हैं। तो जो विद्यार्थी 4 साल के कार्यक्रम से निकल कर जाते हैं उनके लिए जो PG है वो केवल 1 ही वर्ष की होती है। तो मेरा विश्वविद्यालय 1 वर्ष की PG भी डेवलप कर रहा है, तो ताकि जो बच्चे जहाँ जहाँ NEP के तहत 4 साल के कोर्स से वो आ रहे हैं वो NEP के कोर्स में PG के प्रोग्राम में 1 साल का एडमिशन ले सकते हैं, और NEP जो है वो उनको सीधा रिसर्च प्रोग्राम यानी PhD में एडमिशन की भी अनुमति देता है। तो हम अगला स्टेप हमारा होगा कि इन कार्यक्रमों के बाद हम ऐसे पाठ्यक्रम बनाएं जो ये 4 साल के कोर्स से आने वाले रिसर्च डिग्री वाले बच्चे हैं उनको हम सीधा रिसर्च प्रोग्राम्स या फिर हम उनको PG प्रोग्राम्स में दाखिला दे सकें। जो ये UG प्रोग्राम्स आ रहे हैं इसमें एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोग्राम है जो पूरे हरियाणा में अभी तक नहीं है, और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ हमने उस प्रोग्राम को मिलकर बनाया जिसमें इसरो से जुड़े हुए साइंटिस्ट भी शामिल हैं, और वो है बैचलर्स ऑफ साइंस इन फिज़िक्स स्पेशलाइजेशन इन सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स अगर आप नेट पर जाएंगे तो आप देखेंगे आने वाला समय बिल्कुल वैसे होगा जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन में भारत ने सारी दुनिया पर अपना दबदबा बनाया है, ऐसे ही सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर देते हैं तो हमारे युवा जो है पूरी दुनिया में छाएंगे इस क्षेत्र में। BA लिबरल आर्ट भी एक विषय शुरू किया गया मैम, इसके अलावा आपने बताया था कि 3 साल का जो कोर्स करवाया जाएगा BCA का, 1.5 साल यहाँ पढ़ना होगा, 1.5 साल बाहर कंपनी में, उसके बाद 1 साल और पढ़ाई करवाई जाएगी, यानी पूरी तरह से जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की तरफ जो है विशेष ध्यान है, स्किल्ड एजुकेशन जो है स्किल एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस जो है रहने वाला आने वाला। जी, हमारी सरकार चाहे वो राष्ट्र स्तर की हो या प्रदेश स्तर की हो, दोनों का ही बहुत बड़ा फोकस जो है वो स्किल पर रहा है। प्रधानमंत्री विशेष रूप से बार बार इस बात को फोकस करते हैं, और विद्यार्थी भी एक बहुत बड़ी सेना BA पास करने के बाद खड़ी हो जाती है जो केवल सरकार से उम्मीद करती है कि वो नौकरी दे, लेकिन नौकरी देना जो है वो इतनी बड़ी बात नहीं है।
आपको नौकरी के काबिल भी होना चाहिए। बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस भारत में पनपे थे, लेकिन धीरे 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 ये महसूस किया बड़ी बड़ी कंपनियों ने कि इंजीनियर्स तो बहुत हैं लेकिन उनकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी मीन्स उनके अंदर वो लियाकत नहीं है जैसे होनी चाहिए। तो जो हमारा जो मुख्य फोकस होना चाहिए वो स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और साथ साथ में क्वालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी क्वांटिटेटिवली भारत में बहुत, प्रदेश में भी बहुत यूनिवर्सिटियाँ बन गई, तो अब हर यूनिवर्सिटी को अपनी क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, जो मेरे प्राथमिकता है। इंटरनेशनल एलुमनाई मीट की भी बात कही आपने, इसके अलावा संस्कृत विषय को और वृद्ध किए जाने की बात कही गई, वो क्या खाका तैयार किया गया? संस्कृत हमारा प्राचीन धरोहर के प्रति हमें सजग करती है, और ऐसे में जब हम सब समझ रहे हैं कि हमारे वेदों और शास्त्रों से ज्ञान लेकर विदेश ने खूब सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप कर ली, तो हम क्यों उससे वंचित रहें। इसलिए संस्कृत की ऑन डिमांड मुझे 250 लड़कियां हैं जो एक एप्लीकेशन दे के गई हैं, 250 एक बच्चे जो हैं वो MA संस्कृत करना चाहते हैं, तो मैं MA संस्कृत के लिए तैयार कर रही हूँ अपने आप को। मेरे पास स्पेस की शॉर्टेज है, उम्मीद करती हूँ कि सरकार मुझे अनुदान देकर सामर्थ्य मेरा बढ़ाएगी और मुझे नए डिपार्टमेंट्स खोलने के लिए सक्षम करेगी। स्पोर्ट्स और थिएटर की भी बात सामने आई मैम, उसको कैसे डेवलप किया जाएगा, कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? जैसा आप सब जानते हैं कि भिवानी स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स में मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो स्टेडियम है, लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो यहाँ नहीं हैं, तो उसमें मेरा जो फोकस है वो ऐसी फैसिलिटीज़ की तरफ है जो अभी भिवानी में नहीं है। जो हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो हम दिल्ली भेज रहे हैं खेलो इंडिया में, और वहाँ से हमें अनुदान मिलेगा प्रदेश सरकार की अनुमति के साथ, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। 13 जून से ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, 28 जून तक चलेगी, 29-30 को जो है कहीं की रिजल्ट अपडेशन का समय दिया गया है। माना जा सकता है अभी फिलहाल जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को और बेहतरीन सुविधाएं विश्वविद्यालय में नए परिसर में किस तरह से डेवलप की जाएगी? देखिए, सुविधाएँ जो होती हैं वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स के ऊपर निर्भर करता है, और कुछ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो मेरे पास होंगी, फिर भी मैं हर तरीके से भरसक प्रयास में हूँ कि मैं अपने फंड्स का समुचित प्रयोग करूँ, कहीं पर भी फिजूल खर्ची नहीं करूँ और सुविधाओं को उपलब्ध कराने में कहीं कोताही ना बरतूँ। 6 विभाग ऐसे हैं जहाँ पर जो है स्टाफ की बेहद कमी है, कमी के चलते जो आप मान सकते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सकती है एडहॉक पर टीचर्स, हालांकि तमाम टीचर्स, तमाम जो स्टाफ हो दक्ष लगाया गया है, बावजूद इसके आपको लगता है कि वो उस एफिशिएंसी से, उस दक्षता से वो काम कर पाएंगे? देखिए, दक्षता उनके पास है, लेकिन डिपार्टमेंट को केवल दक्षता नहीं चाहिए होती, डिपार्टमेंट के पास एक अनुभव भी होना चाहिए। तो मैं अभी जब तक सरकार से मैं पत्र भेज चुकी हूँ सरकार को लगभग 1.5 महीने पहले कि हम पर लगे हुए बैन को हटा लिया जाए, लेकिन जब तक वो बैन हटाया नहीं जाता है मैं ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स करने की कोशिश कर रही हूँ। छः ऐसे विभाग हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है, 6 ऐसे विभाग हैं जिनमें केवल एक टीचर है, तो मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं अपर कैडर के अंदर जो टीचर्स हैं उनको मैं ऑन डेपुटेशन इन्वाइट करूँ। मेरी कमेटी गठित कर दी गई है, ऑलरेडी इस बात पर काम चल रहा है, शीघ्र ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा कि किन किन विषयों में किस किस स्तर पर हम डेपुटेशन पर टीचर्स। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उस पर विश्वविद्यालय प्रबंधन, विश्वविद्यालय प्रशासन कितना खरा उतर पा रहा है, आगे और बेहतर किस तरह से किया जाएगा इसे? देखिए, सुधार की गुंजाइश तो कभी ख़त्म नहीं होती है, और हम तो अभी पहला प्रयास हमारा है, हम प्रयास पूरी कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं, पूरे जज्बे के साथ कर रहे हैं, उम्मीद है परिणाम भी वैसे आएंगे, लेकिन समय के साथ जैसी जैसी ज़रूरत होगी सुधार करते जाएंगे। लोगों को किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आप अश्योर कर पाएंगी, बड़े पद पर हैं, विश्वविद्यालय का यूं कहिएगा कि आप धुरी हैं, तो कैसे अश्योर कर पाएंगे कि आने वाले दिनों में इस तरह के रिजल्ट की और दूसरी तमाम चीज़ें इसी तरह से स्ट्रीम लाइन जो है चलती रहेगी? मैंने लगभग मीडिया से बात करने में 3 महीने का समय लिया, और उसका मुख्य मुद्दा ये था कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जिससे लोगों का विश्वास स्वतः जागृत हो। आप लोगों ने खुद माना है इस बात को कि यूनिवर्सिटी तेज़ी से बदल रही है, और कहते हैं कि कहने से जाना कथनी से ज़्यादा कर्म करनी पर विश्वास करना चाहिए, तो मैंने जो 3 महीने में किया है उसका एहसास सभी स्तर पर किया जा रहा है, ऐसा मेरा फीडबैक है, और यही मेरा विश्वास अभिभावकों को भी है, युवाओं को भी है। आप मेरे विश्वविद्यालय के साथ जुड़े, आप मेरे विश्वविद्यालय के द्वारा दिए गए पाठ्यक्रमों में दाखिला ले, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। स्वर्ण जयंती यूनिवर्सिटी कॉलेज
आखिरी सवाल में, वो कब तक शुरू हो पाएगा और किस तरह से उसमें जो... वो इसी वर्ष से शुरू हो रहा है और एडमिशन की जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के हिसाब से एडमिशन्स हो जाएंगे और इसी परिसर में जहां हम बैठे हैं, पुराने परिसर में, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जो बच्चे अभी प्लस टू करके आ रहे हैं उनको 10 किलोमीटर दूर आना जाना अभिभावक भी पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैंने वो कोर्सेज यहीं शुरू कर दिए। एडमिशन की बड़ी समस्या है मैम नए परिसर में, हालांकि भव्य भवन बनाया गया है, बावजूद इसके जो विद्यार्थी आते हैं, जो खासतौर पर छात्राओं की बात करें, विभिन्न संकायों में विभिन्न प्रकल्पों में जो छात्राएँ आती हैं उनको बेहद परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है सड़क मार्ग पर जो है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे विश्वविद्यालय में खुशी की बात है कि यहाँ 70% महिलाएं हैं। बातें महिलाओं के लिए होती हैं, महिलाओं का ध्यान भी रखना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन मुझे मेरे बेटों की भी उतनी ही चिंता होती है। अगर मेरे पास 70% बेटियाँ हैं तो मुझे यूँ महसूस होता है कि मेरे 20% बच्चे कम हैं जो मेरे बेटे हैं, तो वो बेटे भी मेरे यूनिवर्सिटी में आएँ। मैं नहीं चाहती हूँ बेटियाँ पढ़ें, बेटियों की सुरक्षा मैं देखूँगी, लेकिन उनकी सुविधाओं को भी मैं उसमें भी वृद्धि करूँगी, लेकिन मेरे बेटे भी मेरे साथ जुड़े और सीरियसली जुड़े, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि विद्यार्थी इधर उधर ना घूमें, शिक्षा को, शिक्षा के महत्व को समझे, शिक्षा को सही जज्बे के साथ प्राप्त करने का मनोवृत्ति लेकर मेरे विश्वविद्यालय में आए। अच्छा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी विश्वविद्यालय तैयार करेगा कोई इस तरह के कोर्स? मैं अभी हाल में ही बता रही हूँ, मुझे पूरी तरह पता नहीं है, व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है मेरे पास, उसको मैं अभी पुष्टि करने की ज़रूरी है, लेकिन अपुष्ट भाषा में मैं अगर कहूँ तो एक ऐसा विद्यार्थी था जिसने जो हमारी कॉम्पिटिटिव क्लासेस ली थी वो इस समय UPSC के टॉपर्स में से एक है। बहुत बहुत बधाई मैम और शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। प्रोफेसर दीप्ति दरवाणी जी, विज़न अच्छा खासा जो है इन्होंने तय किया है और वजह यही है कि 3 महीने पहले ज्वाइनिंग के बाद आज पहली मर्तबा मीडिया से मुखातिब हुई, इंडिया न्यूज़ हरियाणा से मुखातिब हुई, प्रदेश का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे थे यानी CBLU की VC कुलपति जो है प्रोफेसर दीप्ति दरवाणी जी से, प्रतिबद्धता जताई है, कई सारे विज़न लेकर आई हैं, 8 नए रोजगार परक कोर्सेज वो शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन लिबरल आर्ट्स, BA इन लिबरल आर्ट्स और इस तरह के और कई सारे कोर्सेज शुरू किए गए हैं जो कि अपने आप में काफ़ी अहम, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में इनको काफ़ी अहम माना जा रहा है। तमाम वो चीज़ें उनको स्टडी किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, इस विश्वविद्यालय में खास दिक्कत ये थी कि यहाँ पर परीक्षा परिणामों के लिए विद्यार्थियों को अच्छा खासा इंतज़ार करना पड़ता था, बाट जो होनी पड़ती थी, लेकिन एक रिकॉर्ड कायम किया गया है, 18 दिन में महज जो है परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं और आने वाले दिनों में इस रिकॉर्ड को और भी बरकरार रखा जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि खुद महिला होने के नाते प्रोफेसर दीप्ति दरवाणी उन 70% छात्राओं का कितना ध्यान रख पाती हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जज्बा जो है पूरी तरह से वो लिए हुए हैं कि कुछ कर दिखाना है इस विश्वविद्यालय में जो कि 10 साल पहले शुरू किया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।